पाकिस्तान से ज्यादा वहाँ जो इंटरनल आसपास की जो लोग रहते थे जी जी। जिनका वहाँ एक ऐसे एक गांव है आधा गांव पाकिस्तान में आधा गांव इधर है और लोग अपना नॉर्मल रूटीन का काम कर रहे हैं अच्छा। ऐसे भी बहुत सारे गांव है तो वहाँ कब कौन उधर से इधर आ जाए उधर से उधर चल रहे अच्छा। पहले ऐसा ही था अब नहीं है अब गवर्नमेंट बहुत अलर्ट है तो वहाँ बहुत सारे कई बार हमें दुश्मन अंदर से मिलते थे अपने ही देश के अंदर मिलते थे जो ज्यादा खतरनाक थे पाकिस्तानी सामने फौज सोल्जर बैठे हैं वो प्रॉब्लम नहीं थी तो बहुत सारा टाइम हमारा जो है वो अपनी इंटरनल फाइटिंग के अंदर में बीता था भी अंदर वाले लोगों को ढूंढना जो हमारी जासूसी कर रहे हैं जो हमारे बातों को इधर-उधर दे रहे हैं जो थोड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं प्यारे दर्शकों नमस्कार आज हमारे साथ हैं मेजर दीपक मेहता मेजर दीपक मेहता चंडीगढ़ से हैं 1978 में आपने सेना ज्वाइन की और 78 से 88 तक आप सेना में महत्वपूर्ण रोमांचक और सीमा के क्षेत्र पर अपनी सेवाएं दीं आपने भारत पाकिस्तान की सीमा पर भारत चीन की सीमा पर और ऑपरेशन ब्लू स्टार पर विशेष रूप से अभियान में गए और वहाँ आपने जान जोखिम में डालकर अपनी सेवाएं देते रहे और उसके बाद रायपुर आकर के आपने कारोबार शुरू किया तो उनके रोमांचक अनुभव उनके कारोबारी जीवन उनके पारिवारिक जीवन पर और उनके व्यक्तित्व पर हम जानने के लिए आज उन्हें आमंत्रित किए मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेजर दीपक मेहता जी आपका स्वागत है आम दर्शकों को बहुत जिज्ञासा थी कि हम आपके जीवन पर आपके संघर्ष के दौर को और सेना के उल्लेखनीय योगदान के लिए आपसे चर्चा करें आपकी पर्सनालिटीज के बारे में लोग जानें तो मुझे आप बताना चाहेंगे कि सेना में आपने सन अठहत्तर अच्छा में ज्वाइन किया जी अठहत्तर अच्छा के बाद सेना में कौन कौन सी चुनौतियाँ आई और आपके जीवन में वो रोमांचक क्षण थे जो आप शेयर करना चाहेंगे जी मैं एम इंग्लिश कर रहा था चंडीगढ़ में जहाँ से मैं मूलता हूँ जी और उसके बाद में फ़ाइनल करते करते ही मेरा फौज के अंदर सिलेक्शन हो गया जी पहले ही चांस के अंदर में और आर्टिलरी में मेरा कमीशन हुआ अच्छा आ, uh, इनिशियल एक साल की टेन्योर और ट्रेनिंग के बाद में मेरा लद्दाख में पोस्टिंग हुआ जी जी जिसके अंदर बाद में कारगिल वॉर वगैरह हुई और तकरीबन uh, दस साल मैंने फौज के जो बिताए उसके अंदर मैं दो बार ऑपरेशनल एरिया में रहा जी तो जो एक मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ एक बच्चा पैदा होता है आँख खोलता है जी उसके बाद वो वो और कुछ सोचता सोचता ही नहीं है वो यही है। मैं वर्दी कब डालूंगा तो क्या परिवार में पहले कोई सभी लोग मेरे परिवार में जी जो है वो फौज से हैं अच्छा और आंख खोलते ही अगर कोई सपना दिखाई देता है वो ये है भी मैं वर्दी देखूंगा क्योंकि सभी परिवार वर्दी वालों के साथ जी जी मेरे एक मामा जो थे वो एयर मार्शल थे नंबर दो पोस्ट पे थे एयरफोर्स में और एक हमारे और अंकल थे वो लेफ्टिनेंट जनरल बन के गवर्नर बने पंजाब के तो इस मेरे बड़े ब्रदर मिलिट्री में कर्नल थे जी, तो हमारी जो जिंदगी स्कूल की कॉलेज की बीती है वो वर्दी देख के ही बीती है अच्छा जब कोई वर्दी में सिलेक्ट नहीं होता वर्दी पहनने के लिए तब फिर वो सोचता अब मैं क्या करूँ अदरवाइज पहली प्रेफरेंस वही होती और हमारा भी ऐसा ही था पढ़ते पढ़ते ही एग्जाम दिया रिटर्न क्लियर हो गया ज्यादा ध्यान नहीं दिया आप देखेंगे जी, फिर इंटरव्यू के लिए चले गए सब बोलते थे बड़ा कमजोर था लड़का है कहाँ सेलेक्ट हो पाएगा इंटरव्यू में हो गया मेडिकल में हो गया और इससे पहले मैं कुछ सोचूं मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग के लिए चेन्नई में जा चुका था जी, जी, तो उसके बाद में मैंने सोचा क्या है तो एम इंग्लिश भी मैंने बाद में तीन साल बाद फिर पूरी की तो इस तरह से हमारी फैमिली के अंदर में कोई सोचता ही नहीं है हम हमारी मार्शल कॉम कौम मानी जाती है जी, और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में भी दो जो मेन उनके साथ में थे वो हमारी कौम कही थे और अच्छा भगवान परशुराम जी के हम डिसेंडेंट माना जाते हैं अच्छा तो पहली हमारी जो रहती है वो फौज ही रहती है उसके बाद में कुछ सोचते हैं तो दस साल जो मेरे रहे वो बहुत ही अच्छा और रोमांटिक अनुभव था जिसमें एक रोमांटिक इसलिए था कि कोई मेरी वाइफ ने शादी मेरे से जो की वो ये सोच के की क्योंकि मैं मिलिट्री का ऑफिसर हूँ अच्छा। तो बोलिए मेरा तो शुरू से ही तमन्ना थी मैं मिलिट्री ऑफिसर से ही शादी करूँ जी जी जो मेरा दो साल का पीरियड लद्दाख लद्दाख में रहा तो उस टाइम पे हमें सोचने को देखने को मिला वहां पे भी कैसे एक जवान 42-42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर में रहता है जी जी कैसे वो जिंदा रहता है कैसे जी. उसको तकलीफें होती हैं कैसे उसको पंद्रह पंद्रह दिन तक घर की कोई खबर नहीं होती जी. कोई लेटर नहीं कोई कुछ नहीं मैं 1980 की बात कर रहा हूँ आज जी. तो लद्दाख के अंदर में बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई है तो हमें कुछ भी ना कोई रेडियो ना कोई टेलीविजन ना कोई लेटर ना कोई कुछ ना कोई न्यूज ना कोई सादा सब्जी इस तरह से माइनस डिग्री टेम्परेचर और हम लोग पहाड़ के ऊपर अपनी देश की रक्षा के लिए रहते थे गर्व भी होता था दैट आज हमारा मुल्क जो है हमारा देश जो है वह आज चैन की नींद सोच रहा है क्योंकि हम यहाँ खड़े होकर जाग रहे हैं गर्व भी बहुत होता था जी जी। और कई बार थोड़ा लगता भी था अभी तकलीफें बहुत ज्यादा हैं कितनी समय तक की ड्यूटी वहाँ रहती है सर लद्दाख में वहाँ तो 24 घंटे हम लोग ड्यूटी पे रहते कुल थे कितने लेकिन समय दो साल दो साल, साल हाँ की किसी भी एक्सट्रीम क्लाइमेट एरिया के अंदर में जी एक फौजी की जो है वो ड्यूटी दो साल के लिए रहती तो है। आपके साथ आपका पूरा दल था जो हमारा पूरी मेरी पूरी रेजिमेंट थी मेरी थी। पूरी रेजिमेंट थी और मैं उस वक्त में ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर था इन्फेंट्री के साथ में और चाइना बॉर्डर को ओवरलुक कम करते थे भी कोई ऐसी वहाँ पे प्रॉब्लम ना आ पाए दिन रात तो क्या उस समय कोई झड़पें हुई है नहीं झड़पें तो नहीं हुई क्योंकि उस वक्त में बहुत वास्ट एरिया था और जहां हम लोग थे तकरीबन तीन चार पाँच किलोमीटर तक चाइनीज दिखाई नहीं देते थे और अब इसलिए होती है बिकॉज हम लोग बहुत आगे निकल आए हैं फौज से अच्छा। अब एक एक इंच के लिए है उस वक्त में वो एरिया डेवलप नहीं था खाली जी, पड़ा रहता था जी, वो जी, आते थे जी, अपना काम कुम करते थे इधर उधर घूमते थे करते थे चले जाते थे हम भी पेट्रोलिंग करते थे अंदर तक जाते थे करके वापस आ जाते जी, जी, थे जी, जी, लेकिन चाइना के साथ में सिक्सटी के बाद में गोली वगैरह चलने का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों, जी। बस वो जो झड़पें हुई हैं हाथ वाली हुई जी, जी। तो जैसे अभी गलवान में हुआ है ऐसा हुआ है तो ऐसा कोई गोली चलने का वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है बीच में नॉर्मल लैंड है जो कि हमारा माना जाता है और वहाँ वो आते हैं चले जाते हैं तो अब लेकिन अब बहुत फर्क आ गया और आज की डेट के अंदर में हमारी सरकार इतनी ज़्यादा अवेयर हो गई है हमारे फौजी वहां पे अवेयर हो गए हैं सड़कें वहां तक बन चुकी है तो वो जो लड़ाई थी और अब की लड़ाई के अंदर बहुत फर्क है अब तो इज्जत है जी। मेरे कहने का मतलब है भी जब हम माइनस बयालीस डिग्री टेम्परेचर में रहते थे तो खुद सोचते थे ऐसी कौन सी चीज़ है या मुझे जब मैं चंडीगढ़ आता था तो मेरे साथ वाले कोई पीएचडी कर रहा था जी, कोई जर्नलिज्म कर रहा था वो तो पूछते थे ऐसी क्या चीज है यार तुम यहाँ पे वहां बैठे हो इतनी तकलीफ के अंदर में ये आर्मी की ट्रेनिंग के ऊपर में डिपेंड करता है जी जी मैं एक बहुत ही ऑर्डनरी लड़का था नॉर्मल हर वो अच्छे बुरे काम जो एक टीनेजर करता है मैंने भी किए दो साल फेल भी हुआ फिर दो साल एक, एक साल के अंदर दो क्लासें भी की आ, पढ़ाई में टॉप भी किया और पढ़ाई में फेल भी हुए नॉर्मल क्लासें बंक करना लड़कियों के कॉलेज के चक्कर लगाना ये सब गंदे काम हमने <laughs> अच्छे काम सब किए लेकिन एक बार जब मिलिट्री की ट्रेनिंग मिली और हम जब अफसर मिले तो ऐसा होता था अंदर एक खून सा होता है अपने देश के लिए भाई आज मैं मर जाऊं कर जाऊं लेकिन वो सारी की सारी जो जज्बा बोलते हैं जिसको वो अंदर जो खून उबलना रहता है जी जी। तो मेरा देश मेरी मिट्टी मेरी माँ ये सब का सब जो एक जज्बा है वो एक सिर्फ वो मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर में हमसे कैसा आ जाता है हमें मालूम नहीं है मुझे नहीं मालूम बहुत ही एक ऑर्डिनरी नॉर्मल लड़का इवॉल्व होके एक फौजी ऑफिसर बना उसके बाद में मेरा देश आज भी मुझे मेरे बहुत से दोस्त मजाक करते हैं बोलते तुम जितने फौजी फौज में नहीं थे उतने फौजी आज हो इधर आज भी कुछ ऐसी बात सुनने को मिलती है जिसमें हमारे देश की बेजती हो तो खून खोल जाता है इसीलिए सर सारा देश आपको सैल्यूट करता है सेना के हर जवान को अधिकारी को एक अलग आदर की नजर से देखता है तो लद्दाख के बाद सर आपकी पोस्टिंग फिर पाकिस्तान बॉर्डर में में भी हुई हुई क्या मेरी पहले मेरठ साल के बाद पीस एरिया मिलता है जी जी। तो हम लोग मेरठ में रहे जहां मेरी शादी हुई ट्विंस बच्चे हैं मेरे उसके बाद आखिरी मेरे जो दो साल बीते डेढ़ साल बीता वो पाकिस्तान बॉर्डर में रहा और वो बॉर्डर ऐसा था जहां पे चौबीस घंटे गोलियां चलती थी ये नौशेरा और राजौरी का एरिया था जहाँ लगातार पाकिस्तान के साथ में फायरिंग चलती थी दिन में बंद होती थी सारी रात चलती थी जी, जी, तो वो एक अलग अनुभव था इन्फेंट्री के साथ में रहना और गोलियों के बीच में रहना कब कोई कैसे मर जाए Uh, कोई पता नहीं है क्योंकि चारों तरफ गोलियां चल रही हैं जी, जी। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था जहां हम लोग बहुत अलर्ट रहते थे बिकॉज वहां सामने पाकिस्तानी दिखाई देते थे अच्छा। बॉर्डर के ऊपर में चाइनीज बहुत कम दिखाई देते जी, जी, थे जी, जी। लेकिन यहां तो बिल्कुल आई टू आई बॉल बोलते हैं जिसको जी, जी, भी जी। बिल्कुल सौ मीटर के ऊपर में सामने चाइनी मतलब पाकिस्तानी बैठे हैं और कई बार अच्छा व्यवहार भी होता था जब अच्छे दो अफसर आ जाते थे तो आपस में प्यार भी होता था मिठाइया भी एक से एक्सचेंज होती थी लेकिन लड़ाई होती थी तो फिर दिन रात गोलियां भी चलती थी तो वो एक अनुभव था उसमें एक और जो खासी बात थी वो पाकिस्तान से ज्यादा वहां जो इंटरनल आसपास की जो लोग रहते थे जी, जी। जिनका वहां एक ऐसे एक गांव है आधा गांव पाकिस्तान में आधा गांव इधर है और लोग अपना नॉर्मल रूटीन का काम कर रहे हैं अच्छा। ऐसे भी बहुत सारे गांव है तो वहां कब कौन उधर से इधर आ जाए उधर से उधर चल रहे पहले नहीं अच्छा। पहले ऐसा ही था अब नहीं है अब गवर्नमेंट बहुत अलर्ट है तो वहां बहुत सारे कई बार हमें दुश्मन अंदर से मिलते थे अपने ही देश के अंदर मिलते थे जो ज्यादा खतरनाक थे पाकिस्तानी सामने फौज सोल्जर बैठे हैं वो प्रॉब्लम नहीं थी तो बहुत सारा टाइम हमारा जो है वो अपनी इंटरनल फाइटिंग के अंदर में बीता था भी अंदर वाले लोगों को ढूंढना जो हमारी जसूसी कर रहे हैं जो हमारे बातों को इधर उधर दे रहे हैं जो थोड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो एक एक अलग एक्सपीरियंस था और इसकी वजह से दोनों जगह लद्दाख में भी एक मेडल मुझे मिला मेडल और ये जम्मू कश्मीर की जो सेवा है उसका भी एक हमें चीज़ का मेडल सेना भारत के आंतरिक भागों में भी आती है और मुश्किल हालात में कंट्रोल करती है तो क्या आपको ऐसा मौका लगा सर आंतरिक हालात में आकर के कहीं काम करने का जी बिल्कुल जब पंजाब का ऑपरेशन हुआ था उसके बाद में जो मॉपिंग अप ऑपरेशन था उसके अंदर में तकरीबन हम लोग छः महीने तक इन्वॉल्व रहे मॉपिंग अप ऑपरेशन में समय जी 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 और जैसे जितने टेररिस्ट हैं वो सब लोगों को आ, निकाला जाए बाहर निकाला जी, जाए एंटी नेशनल दे देखिए बहुत सारे लोग जो टेररिस्ट होते हैं वो हमारे देश के नहीं होते जी, जी, वो बाहर से आए हुए आते हैं जो कि डिस्गाइज में यहाँ काम करके रहते हैं जी, जी, उनको निकालना है क्योंकि वो यहाँ के सिविलियन से मिल जाते हैं धर्म को आ, बन चु, अपना चुके हैं ऊपर से कोई मंदिर में पंडित बन के बैठा हुआ है Uh, कोई जो है वो सिख बन के बैठा हुआ है तो वो सबसे ज़्यादा हमारे ख़तरनाक जो होते हैं लोग होते हैं जी जो जी अंदर से अंदर ही दीमक की तरह देश को खाते हैं जी जी तो उनको ढूंढना ये इस ऑपरेशन में तकरीबन मैं छः महीने रहा और मुझे एक अच्छी

मम्मी वो गोरे वाले अंकल आ गए करके ऐसे बताते थे बोला हमारे अपने ही बच्चे जो है हमें नहीं पहचानते क्योंकि इतनी सेपरेशन रहती है और हेड्स ऑफ हमारी मैं फौजियों से ज्यादा फौजियों की बीवी को सलाम करना चाहता हूँ जो इतनी मुश्किल से जिंदगी में रहती हैं हमारे को कब ऑर्डर आ जाता था हम तो बस निकर पहने तो निक्कर में दौड़ के निकल गए और हाथ में लेके यूनिफॉर्म रस्ते में बदली किया लेकिन वो ऐसा थी जिनको ये नहीं पता होता था भी कब ऐसी खबर आ जाए कब ऐसा मौका आ जाए अभी बुरी खबर सुनने को मिले बच्चों का क्या होगा ये क्या होगा हेड्स ऑफ भी जितनी हमारी आई थिंक सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइज uh, अगर करते हैं फ़ौजियों से भी ज़्यादा तो वो उनकी बीवियां करती हैं या उनके परिवार वाले करते हैं जिन्होंने यंग लड़का एक पैदा किया है बीस साल का हुआ है फ़ौज में गया है वहाँ पे उसकी शहीदी हो गई और उसके बाद वो माता पिता अकेले रह रहे हैं ज़िंदगी भर वो वो जो एक सेक्रीफाइज है या एक हमारे साथ कई ऑफिसर थे पांच ऑफिसर हमने एक ही साल के अंदर में खोए तो मुझे याद है अभी हमारी इकट्ठी शादी हुई इकट्ठी हुई उनकी वाइफ आठ महीने की शादी चार महीने की प्रेग्नेंसी और हस्बैंड की ऑपरेशन के अंदर डेथ हो गई वो कैसे फायर फायर में खत्म हो गए सर कैसा हुआ उनका वो वो एक ऑपरेशन में खत्म हुए एक्सीडेंट के अंदर में वो खत्म हुए और आ, वो आ, हम मैं उस लेडी को देख नहीं पाया आंख में क्योंकि वो तो उसके लिए सारी दुनिया उस वक्त खत्म हो गई थी भी मेरी तो अभी आठ महीने की शादी अभी चूड़ा भी नहीं उतरा चार महीने की प्रेगनेंसी है और आगे पूरे प्लान बना रही थी जिंदगी में ये करेंगे तो वो जो सेक्रीफाइस कहने का छोटी बात कहने का है अभी माँ बाप बहन भाई और वो जो वाइफ है और जो बच्चे हैं वो जो सेक्रीफाइस करते हैं बहुत मार्मिक है सर वो बहुत मार्मिक अभी मुझे एक इंसिडेंट सुनने को मिला बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर में एक जवान की डेथ हुई जी. तो जो ऑफिसर थे वो उनकी माँ को मिलने गए और बोले सर मैडम मैं आ, लाया हूँ ये अस्थियाँ लाया हूँ और झंडे के बीच में लपेट के दिया तो उन्होंने बोला मेरा आपको क्या चाहिए बताइए पैसा वगैरह सब फौज से मिल रहा बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए बस मेरा एक काम कर दीजिए तो बोले आप मेरे बेटे दूसरे को ये सिक्किम की बात है मेरे दूसरे बेटे को नौकरी दिलवा दीजिए तो वो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं अंबानी ये वो इधर उधर जितनी कंपनी है उनको लिख के भेजेंगे बोले ये मुझे नहीं चाहिए मेरा बेटा जो बड़ा जहां मौत हुई थी दूसरा बेटा है वो और कहीं नौकरी नहीं करेगा वही नौकरी करेगा और शहीद होगा ये जज्बा माँ या पत्नी में जो आता है इसको सलाम करना चाहिए बहुत फौजें हैं दुनिया में जो हाईली ट्रेंड हैं मेरे को बहुत से लोग पूछते हैं अभी फौज में ऐसी क्या बात है अभी तुम लोग कॉन्फिडेंट रहते हो हम जीतेंगे हम बोलेंगे हम बोलते हैं अभी हमारे पास मशीन ज्यादा नहीं है हमारे पास इक्विपमेंट बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ये जो मर मिटने का जज्बा है जो हमारे पुरातन काल से हमारे में है भी अपनी देश की मिट्टी के लिए हमने मर जाना है ये उन मशीनों से बहुत आगे आज हाईली बोला जाता है 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 आर्मीज दूसरे देशों के पास इक्विपमेंट बट हाईली टेस्टेड एंड ट्रेन आर्मी हमारी मिलिट्री की जो है वो इंडिया के पास है। बहुत बढ़िया सर सैल्यूट करते हैं आपको आपके जज्बे को तो चंडीगढ़ आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी सर जी वहाँ रहते रहते आपने सेना के पूरे सेवा काल पूरा करके आप रायपुर आए हमारी छत्तीसगढ़ की जमीन पर आपने आके कारोबार शुरू किया और एक सफल कारोबारी भी हैं आज तो ये प्रेरणा कैसे मिली और और कैसे आना हुआ आपका आ, जैसे मैंने बताया मेरे फ़ौज में सभी मिलिट्री के बड़े अधिकारी थे जी। तो जब हमारे एक अंकल लेफ्टिनेंट जनरल बने और उसके बाद में गवर्नर नॉमिनेट हुए तो मुझे लगा इस पद तक मैं नहीं पहुंचाऊंगा जी, जी। दूसरी बात यह है अभी मैं मैंने अपनी जिंदगी के जो सबसे बेहतरीन साल थे बीस से लेके तीस साल तक जी, जी। जो जवानी के जोश वाले साल जी, थे जी। वो सब मैंने अपने फौज को दिए और सबसे बेहतरीन टाइम मैंने उसके अंदर काटा जो आज तक मुझे एक मेरे सफल कारोबारी बनने में भी बिजनेसमैन बनने में भी वो फौज के दस साल शामिल है क्योंकि जो चीजें मैंने मैंने वो सीखी, वो सीखी पे लागू की अच्छा, और मैं उतना ईमानदार तब नहीं हूँ जितना ईमानदारी से अपना बिजनेस पे कर रहा हूं, जी, मैं जी, गर्व के साथ कहता हूँ हम लोग सोचते हैं भाई बिना रिश्वत के काम नहीं होता ये नहीं होता मुझे आज कारोबार करते हुए इकतीस साल हो गए हैं मैंने आज तक एक रुपया कभी किसी को नहीं दिया ना गलत काम किया ना पैसा दिया और फिर भी लोग प्यार करते हैं इज्जत करते हैं फौज की यह भी एक बहुत बड़ा कारण था तो जब मैंने देखा भी सभी मेरे फौज वाले हैं और मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा हूँ जी, जी एक नॉर्मल ऑफिसर हैं हमारे बड़े जो ब्रिगेडियर थे जनरल थे वो पूछते थे हाँ क्या रिपोर्ट हुआ, हुआ क्या हुआ कैसा हुआ तो मुझे लगा ये माहौल मेरा वही चल रहा है जितना चल रहा है मुझे अगर अपनी केपेबिलिटी दिखानी है जी जी तो मुझे अलग कुछ करना होगा और हमारा बहुत बड़ा परिवार है छह मामा हैं चार चाचा हैं कजन हैं। मैंने देखा उनमें एक भी बिजनेसमैन नहीं है अच्छा हम लोग बिजनेसमैन माने ही नहीं जाते जी, जी, हम लोग बस फौजी माने जाते हैं और नौकरी पेशा तो मुझे लगा अगर मुझे कोई चैलेंज एक्सेप्ट करना है जी। तो फिर मुझे बिजनेस बनना पड़ेगा और एक उम्मीद होती है कभी मर्सिडीज देखते थे तो दिल करता था मेरी अपनी मर्सिडीज कब आएगी हालांकि मैं बहुत ही ऑर्डनरी बहुत ही ऑर्डनरी फैमिली से, लो मिडिल क्लास फैमिली से था सब सर्विस क्लास थे सब जी, जी, बस अपना तनख्वाह आया खत्म हो गया तो ऐसे बड़े बड़े सपने देखना हमें शोभा नहीं देता जी, जी, लेकिन सपना तो सपना होता है जी, देखते जी, थे इस तरह जी, से जी, और बहुत से एग्जांपल आप भी देखते होंगे जो सपने देखे और पूरे हुए तो मुझे ऐसा लगा भी मुझे ऐसा करना चाहिए तो मैंने मिलिट्री से अपना नॉन ऑप्शन दे दिया परमानेंट कमीशन से और बाहर आ गया लेकिन शादी होने की वजह से मैं पाँच साल और रुका दस साल रहा तो दस साल आने के बाद में फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया कारण यही था अभी अब मुझे बिजनेस करके ये कैपेबिलिटी को भी दिखानी है तो जैसे आपने बोला फौजी हैं तो मेरे घर से एक भी एक भी मेंबर इंक्लूडिंग माय फादर सेकंड ब्रदर मामा चाचा कोई भी मेरी फेवर में नहीं था सब यही बोलते थे तुम बहुत शरारती आदमी पहले रहे हो लेकिन भगवान की कृपा से तुम एक ऑफिसर बने लेकिन अब हम समझते हैं तुम वैसे के वैसे ही शरारती हो तुम नहीं हो हम ऑफिसर हम बिजनेसमैन नहीं बन सकते बिकॉज हमारे में वो झूठ बोलना ये करना वो करना जो बिजनेस के माने जाते हैं ऐसे तो उस वक्त मेरे मन में आया भी नहीं मैं अगर बिजनेस करूँगा तो मैं अपना जरूरतें पूरी करूँगा कोई छूट छाट बोलने की जरूरत नहीं कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं जी। और ईमानदारी से बिजनेस करूंगा और ऊपर वाला भगवान मेरे साथ जी, में है जी। तो मैं इस तरह से बिजनेस स्टार्ट करूंगा और मैं गर्व के साथ कहता हूँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो मैं नहीं हूं लेकिन मैं जो भी हूं मैंने ईमानदारी से किया है और आज अगर लोग प्यार करते हैं तो फौजी होने के नाते ईमानदारी से भी करते हैं इसी के वजह से बहुत अच्छा हमारा एक सर्कल तो रायपुर में इसलिए आए बिकॉज चंडीगढ़ उन दिनों में जी जी आप जानते हैं ब्लू स्टार के बाद में प्रॉब्लम में था जी जी 94 तक वहाँ पे प्रॉब्लम हुई लोग मूव करने शुरू हुए तो मेरे पेरेंट्स भी बोले भी हम वहाँ से अपना घर वगैरह निकाल के यहाँ रायपुर में मेरा ऑप्शन था एक मेरी वाइफ रायपुर की थी दूसरा मेरे एक कोर्समेट मेरे साथ मिलिट्री में कैप्टन थे तब वो चार साल पहले मेरे से आके उन्होंने एक अच्छा अपना बिजनेस शुरू किया उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया शुरू में बहुत सपोर्ट भी की तो मैं इसलिए रायपुर में आया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक आ, आ, स्कीम लॉन्च हुई थी आर्म्स टू फार्म्स जी आर्म्स टू फार्म्स तो वो उसके अंदर में मैंने बेनिफिट लेके एक फौजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अभी उसके पास प्रॉपर्टी और पैसा तो होता नहीं है और बैंक वाले लोन उन्हीं को देते हैं जिनको जिनके पास में प्रॉपर्टी मॉडगेज करने को हो फाइनेंशियल हो।, हो ये हो तो वो जो स्कीम आर्म्स टू फार्म्स थी उसमें मिलिट्री हेडक्वार्टर उन लोगों को रिसटलमेंट के लिए बोलता है और उनकी गारंटी लेता है तो हमें लोन मिले हमने धीरे धीरे किया बहुत स्ट्रगल देखी क्योंकि जैसे मैंने बताया हम लोग बिजनेस के लिए कट आउट नहीं है भगवान भी शायद परीक्षा ले रहा था तीन साल में हमारी ऐसी हालत हो गई भी हमारे घर के अंदर में खाने के लिए भी लाले आ गए जितने ऐसा क्या हुआ सर अः ट्रस्टिंग अच्छा। हम लोग ट्रस्टिंग बड़े होते हैं जब कोई बोलता है तो हम सोचते हैं हाँ ठीक है बिजनेस में ये नहीं चलता।, नहीं चलता बिजनेस में आप जितना टाल दो उतना ठीक है <laughs> ट्रस्ट करना नहीं रहता हम लोग समझ नहीं पाते भी कोई दूसरा अपनी वजह से कर रहा है तीसरा कुछ किस्मत भी ऐसी थी भी प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम आती जी, रही जी। उस वक्त में तो मैं कई बार पूछता था भगवान ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है क्यों मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम ऐसी थी भी हमारी पूरी जितनी शादी की ज्वेलरी थी मेरी मेरी वाइफ की सब बिक चुके थी और वो तो अच्छे घर से थी तो वो तो बहुत और हमारे ऊपर लोन्स हो गए थे लोगों ने तीस तीस परसेंट ब्याज भी लिया हमसे इन्वेस्टमेंट में जो बिजनेस में आपने जी, किया जी जी अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया लिया पूरा करने के लिए और कई बार ताने भी सुनने को मिलते थे अरे वहाँ लाल बत्ती में घूमते थे यहाँ आके देखो क्या कर रहे हैं जी जी लेकिन एक वो जज्बा मुझे मुझे बताया गया था भाई फौज बिजनेस बहुत मुश्किल होता है और वो फौज की ट्रेनिंग बरसात हो धूप हो चालीस डिग्री पैंतालीस डिग्री टेम्परेचर हो वो मैं अपना मोटरसाइकिल हेलमेट लेके कभी भी किसी भी टाइम पे मुझे सड़क के ऊपर देखा जाता था जी जी और मेरी वाइफ का सपोर्ट इतना रहा भी कभी भी ज्वेलरी बेचनी थी तो वो कभी ये नहीं बोलती थी मैं मेरा दो साल उसने नए कपड़े नहीं पहने हमारे बच्चों ने नए कपड़े नहीं पहने कभी कोई दे गया तो वो पहने मैंने तो पहने ही नहीं पहने जी, जी। लेकिन एक जज्बा था अभी नहीं हम सक्सेसफुल होंगे सब कुछ भी एक दिन मुझे याद आता है अभी हमें पेट्रोल डलवाने के लिए उन्नीस रुपए रुपये एक लीटर का चाहिए था क्योंकि मुझे अर्जेंट अपने फार्म में कुछ देखना था और मेरे पास उन्नीस रुपए नहीं थे और उस दिन मेरे को पहली बार लगा क्या मैंने सही किया लेकिन अगले दिन फिर ठीक रहा और ये सारी की सारी चीजें आज मैं सोचता हूँ तो बहुत अच्छी हुई जी क्योंकि तो अगर मैं आता और सीधा बिजनेस में चला जाता हूं, तो बहुत सी गलत चीजें भी सीखता बहुत से स्ट्रगल के ऊपर में जल्दी घबरा जाता जी, जी, क्योंकि बहुत सब कुछ ईजी मिल गया ईजी तो जब जाता है तो उतना दुख होता है लेकिन वो इतनी तकलीफ में हमने दिन बिताए इतनी तकलीफ में बिताए तो मुझे लगा भी वो जो मेरा लर्निंग पीरियड था वो भगवान ने जैसे होता है ना एक अच्छा सोना या बर्तन थोक ठोक के बनता है सोना तो भगवान है ने उस वक्त में इतनी ठोक बजा के हमें तैयार किया कि उसके बाद कई कई मुसीबतें आई प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स आए, आए, आए पर्सनल भी आए बिजनेस में भी आए, सोशली भी आए आए लेकिन मुझे उस चीज का कोई हंसते हंसते सब कुछ दूर हो गया और आर्मी की ट्रेनिंग तो बहुत ही काम आई मुझे जी, ऐसा जी, लगा अभी मैं मुझे वो जो उस वक़्त में जो फिजिकली हम फिट थे बीस किलोमीटर ऐसे ही दौड़ जाते थे तो वो सारा का सारा हमारे बहुत काम आया और मेरे को हुआ फिर जब अच्छे दिन आते हैं तो फिर बोलते हैं छप्पर फाड़ के आता है तो फिर ऐसा भी हुआ सो so, आज अगर मेरी वाइफ मर्सिडीज़ में घूमती है या एलेक्स में घूमती है जी। तो मेरे को कभी दुख नहीं होता अरे क्या कर रहे हो मेरे को मालूम है उसने उस वक्त में मुझे साथ दिया मेरे बच्चों ने मेरे को साथ दिया जब दूसरे लग्जरी में पल रहे थे और हम दो दो रुपए चार चार पाँच पाँच रुपए के लिए दुखी होते थे तो ये आज मुझे जब मैं इन्जॉय करता हूँ अपनी सक्सेस को एक ऐसा भी टाइम आया टाइम आया भी जब मैं पूरे इंडिया के अंदर में बीस टॉप के पोल्ट्री फार्मर्स में था जी जी आ, फिर आ, एक बदलाव आया एवल्यूश इवॉल्विंग एक नेचर आई फिर मुझे लगा अब पैसा सब कुछ नहीं है जी जी। आ, एक यहाँ के बिलीनियर्स हैं सेंट्रल इंडिया के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं उन्होंने एक पार्टी में मुझे बोला था दस करोड़ तक पैसा मायने रखता है दस करोड़ में दुनिया की सारी जरूरतें आपकी पूरी हो जाती हैं रीजनेबल जरूरतें ठीक है तो रीजनेबल जरूरतें पूरी हो जाती हैं और आप एक सुखी जिंदगी जी सकते हो इसके बाद में सिर्फ फिगर है बीस तीस चालीस पचास सौ करोड़ हजार करोड़ सिर्फ फिगर फिगर है दस करोड़ तो उस वक्त मैंने सोचा ये ऐसे कैसे हो सकता नहीं हो सकता और दस करोड़ में वाकई मैंने ही उनकी बात को जब आज देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ वाकई जो पहला दस करोड़ आता है उसमें आपकी सब जरूरतें पूरी होती हैं उसके बाद आपकी भूख है या आपका अहकार है अहंकार है जी, जी। गर्व है या फॉर पावर हो जरूरतें आपकी सारी पूरी हो गई तो आप कारोबार संघर्ष और चुनौतीपूर्ण दौर रहा आपका जी आप सेना में भी चुनौतीपूर्ण कामों में रहे उसके बाद आपने अपने कारोबार में संघर्ष का दौर देखा लेकिन इसके साथ साथ आपके भीतर समाज सेवा का और आम आदमियों के बीच जुड़ाव का एक जुनून रहा आप रोटरी से जुड़े रोटरी के गवर्नर बने जिसमें तीन स्टेट आते हैं तो ये दौर आपका जो है बड़ा ही मतलब सम्मानजनक रहा और आप इसमें बड़ा बड़ा काम करते रहे उसके बारे में जरा बताना चाहेंगे जी मैं मतलब हमेशा मानता हूँ एक आदमी की लाइफ के चार आस्पेक्ट होते हैं पहला आस्पेक्ट होता है उसका परिवार परिवार के अंदर में देश भी शामिल होता है जी जी आप अपने देश को भी मोहल्ले को भी अपने शहर को भी परिवार मानते हो जी, दूसरा होता है अभी आपका न, आ, हेल्थ हेल्थ जी, जो जी, है बहुत एक अच्छा एस्पेक्ट है तीसरा एस्पेक्ट होता है आपका आपका बिजनेस आर्थिक आधार क्योंकि आर्थिक आधार जिसके अंदर में आप अपनी परिवार और दूसरे लोगों को जी, जी, आ, और आ, च, लास्ट फिर समाज सेवा होता है तो पहले जब मेरे तीनों एस्पेक्ट पूरे हो गए भी मेरा परिवार एक सेटल हुआ अच्छा आ, मेरे दोनों बच्चे इंजीनियर बने और एमबीए बने और अच्छी कंपनीज में जॉब पे चले गए जी। उनकी शादी हुई तो दोनों बहुरानियां जो आई वो भी दोनों जो हैं वो वेल क्वालिफाइड है एक एम डी है डॉक्टर डौक, है एम डी है और जी। जी। एक जो है वो एम बी ए हैं तो जब ये एस्पेक्ट फैमिली वाला सेटल हुआ और मैंने देखा भी मेरे यहाँ जो काम करते हैं डेढ़ सौ दो सौ लोग सबके साथ मेरे साथ पच्च, बीस पच्चीस सालों में जो जुड़े रहे जी जी। अच्छे टाइम में बुरे टाइम पे सबके अपने अपने घर हैं वो एक पोटली लेके मेरे पास काम करने आए थे विश्वास किया सक्सेसफुल हुए तो आज सबके अपने अपने घर हैं अपने गाँव में उनकी इज्जत है मोटरसाइकिल टीवी जो भी उन्होंने ड्रीम किया होगा सब उनके पास है तो मुझे लगा भी मेरा परिवार का जो दायित्व है वो पूरा हुआ उसके बाद में सेकंड आता है अभी अपनी हेल्थ जी तो वो भी थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ भी जब भी टाइम मिले थोड़ा जिम वगैरह चले जाओ या अपना जी, खान जी, पान का ध्यान रखो भगवान की दया से इस एज में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। जो हम कर सकें तीसरा आता है अपना बिजनेस बिजनेस के अंदर में मैंने बताया हम सेटल हुए इसी बिजनेस को सेटल करते करते जब मुझे ऐसा लगा मेरी सारी जरूरतें पूरी हो गई जरूरतें क्या होती हैं भी आपको अच्छा खाना मिले हमारे पंजाब में कहावत है इतना पैसा होना चाहिए आप दो रोटी खा सको और आपके मेहमान कभी भी आ जाए उसको दो रोटी सको संत कबीर की वाणी संत कबीर की वाणी है। और पंजाब है। के अंदर में भी गुरु नानक देव जी ने ऐसा ही कुछ कहा <laughs> जी, जी। तो ये ये मतलब जब ये हो गया भी हम किसी का अच्छा सत्कार करें एक अच्छा घर गाड़ी सब हो गया तो फिर मन जो होता है ना भगवान की तरफ या ईश्वर की तरफ लगता है जी, जी. और जब उस सर्वशक्ति मान ईश्वर के बारे में सोचते हैं जी. तो फिर आपकी थिंकिंग टोटली अलग हो जाती है अभी पैसा कितना आ रहा है सुख क्या है दुख जी, क्या है जी. और ईश्वर का मतलब मेरा हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म सिख धर्म नहीं है ये चीज़ मैंने फौज में ही सीखी मैं एक टाइम पे मेरठ में पोस्टेड था तो हमारे तीन रेजिमेंट के पार्ट थे जिसको बैटरी बोलते हैं बैटरी के अंदर छ छोपे रहती हैं जी, जी, तो उसमें एक बैटरी के इंच में मराठा ट्रूप्स थे जी। और एक में आ, आ, ये थे हरियाणा के थे जी। और एक जो थे बंगाली बिहारी थे अच्छा और उनका सबसे बड़ा जो मराठा थे गणेश पूजा होता था जी। और जो हरियाणा के थे उनके कृष्ण पूजा होता था जन्माष्टमी होता था जी। जी। और बंगाली बिहारी का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा होता अब किस्मत देखिए उन तीनों के जो बैटरी कमांडर थे जो मराठा बैटरी के थे वो सरदार थे जो हरियाणा के थे वो एक हिंदू थे जी और एक आ, जो बंगाली बिहारी थी वो एक मुस्लिम थे मेजर खान. तो और हमारे <laughs> कमांडिंग ऑफिसर एक ब्रिटिश सेटल इन इं इंडिया अच्छा एंग्लो इंडिया जी जी कर्नल डोनाल्ड राइडर विल्सन वो थे तो हमारे रेजिमेंट के अंदर जो मैंने धर्म सीखा है ये देखा भी हमारे कमांडिंग ऑफिसर हवन करवा रहे हैं कृष्ण पूजा करवा रहे हैं जी जी। पूरा वैसे ही कर रहे हैं जैसे एक हिंदू धर्म वाला करता है जी। बिना किसी भेदभाव के और जब गणेश पूजा होती थी तो हमारे वो जो सरदार ऑफिसर थे वो हमेशा कंधे के ऊपर मैंने गणेश भगवान उठा के और विसर्जन के लिए विसर्जन। जा रहे हैं गणपति मोरिया चिल्लाते हुए और सबसे अच्छी बात थी दैट हमारे मेजर खान जो एक मुस्लिम ऑफिसर थे वो दुर्गा पूजा के दिन नौ दिन वो ही फॉलो करते थे जो कि एक हिंदू करता है नॉन नहीं खाना ये नहीं खाना और दुर्गा माँ की वैसे ही आरती करनी और वैसे ही विसर्जन के लिए जाना बिना किसी बात पक्का प्रॉपर धोती पहन के टोपी पहन के तिलक लगा के वो वैसे जी। एक बार भी धर्म के प्रति नहीं हुआ तो ये जब मैंने चीजें फौज में सीखी जी जी। तो मेरे ख्याल में अनमन में आया भी हम सब धर्म को यही बांटे हैं वो जो ऊपर सर्वशक्ति मान एक परमात्मा एक लाइट है जी जी। एक एक नूर बोलते हैं जी जी। वो इन धर्म से ऊपर है तो हमारा धर्म है मानवता का धर्म जी जी। तो इन सब चीजों से ऊपर है और सभी धर्म बोलते हैं कभी किसी की हेल्प कर दी जाए मदद कर दी जाए जी जी। कभी आ, किसी को दुख ना पहुंचाया जाए जी जी। किसी का दिल ना दुखाया जाए आज भी मैं सबसे बड़ा पाप मानता हूं किसी का दिल दुखाना या दुख पहचाना कभी दुख भी जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ उसे माफी मांग जी, लूं जी, जी, तो ये धर्म है तो जब ये वाली जब हम अपने पैसे के अंदर में हुए बच्चे सेटल हो गए सब कुछ जो भी सुख सुविधा मिली तो फिर मेरा जो काम है ये लगा आ, भी मैं अब सोसाइटी को वापस दू क्योंकि जैसे बहुत से लोग कह चुके हैं भाई हम जब मानवता के लिए कोई सेवा करते हैं तो वो एक रेंट है एक रेंट है किराया है जो कि हमें वापस धरती को देना उसके ऊपर रहने के लिए ये ये हमारी कहावत रोटी में चलती है तो मैं रोटरी से जुड़ा जीएससी में मैं यूएसए गया पहली बार और उसके बाद तकरीबन साठ कंट्रियों में घुमा हूँ वहाँ पे रोटरी भी देखी और मानवता का एस्पेक्ट भी देखा फिर मैं प्रेसिडेंट बना फिर ब्राज़ील में टीम लेके ब्राज़ील में भी गया फिर 2013 में मेरा इलेक्शन हुआ मैं गवर्नर बना तीन स्टेट्स का कारण रोटरी से जुड़ने का बहुत से होते हैं कोई चाहता है अभी हर जगह जहाँ जाएं तो सौ पचास लोग फूल माला लेके खड़े रहें पर मेरा ये मन नहीं था मेरा ये था अगर मैं इस 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 ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ तो फिर मेरा काम है मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ इस तो और इस काम में भी मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ दैट द चोजन वन एक कहावत है चोजन वन तो शायद भगवान ने मुझे चुना 2016-17 के अंदर में यहाँ सत्य साईं बाबा हॉस्पिटल में हमें एक आ, आ, काम करने का मौका मिला जिसके अंदर में मैं पूरा हमने किया उसके अंदर ये था भी तीन हजार बच्चे तकरीबन वहाँ पे ऐसे रहते थे वेटिंग में रहते थे जिनके दिल के अंदर में छेद रहता था जी जी। और उनका ऑपरेशन नहीं हो पाता था बिकॉज चैरिटी के अंदर में लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं तो उन लोग उनमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं, मर जाते थे जी। पूरा नहीं कर पाते थे बिकॉज वेट करते रहते करते तो हमें जब सत्य साई बाबा ने अप्रोच किया एक हमारे यहाँ के लोकल क्लब है वो प्रोजेक्ट लेके आए तो मैंने बोला इसको करना है इसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे अपनी जेब से घर जी, से जी, मांगना पड़े लोगों से तो भी ये पूरा करेंगे लेकिन और फिर वो सक्सेसफुल हुआ एक साल के अंदर में वहाँ पे एक हम कैथलैब दे पाए उसके बाद एक ऑपरेशन थिएटर दे पाए करते करते आज तकरीबन तकरीबन जो वेटिंग पीरियड है वो एक साल से कम होकर तीन महीना हो गया और खुशी की बात ये है खुशी ये नहीं है भी वो सत्य साई बाबा हॉस्पिटल है या वहाँ सिर्फ इंडियंस का ट्रीट होता है वहाँ ज्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो अफगानिस्तान पाकिस्तान श्रीलंका मालडीव अच्छा। नेपाल बांग्लादेश जहाँ जहाँ गरीबी ज्यादा है तो अपने तो, रायपुर रायपुर में भी होता है सारे ऐसा। ये में ही सारे न्यू रायपुर के अंदर में सत्य जी। बाबा आप में आपको समझ आएगा, वहां ही नहीं है और यहाँ पे अग्रवाल समाज ने उसके सामने एक मंगल भवन भी बनवा दिया है तो जो भी उनके रिश्तेदार आते हैं उनको फ्री रहना फ्री खाना और आने जाने का खर्चा भी सत्य साई बाबा तो वो जो एक सेवा है उसमें कोई धर्म पूछता ही नहीं है तो मैं वहाँ पे बहुत बार जाता रहता हूँ क्योंकि जी, उसके बाद में भी हमने ऑक्सीजन के प्लांट्स दिए रोटरी की तरफ से और जो जो उसके बाद गवर्नर आए सब ने अपनी क्षमता के हिसाब से वहाँ काम किया लेकिन खुशी की बात यह है भी अगर हम पंद्रह बच्चे वहाँ देखते हैं और हम देखते हैं भी कोई अफगानिस्तान से आया है कोई पूरे बुरके में माँ बैठी है उसका बच्चा वहाँ ट्रीटमेंट ले रहा है कोई रिक्शा वाले का बच्चा है जो कि पेशावर से आया जी, तो बड़ा अच्छा लगता है विश्व मानवता का एक संदेश मानवता का है और कोई धर्म नहीं पूछता भी ये ऐसा जी, है इसको छोड़ो इंडिया वाला लाभ बिल्कुल नहीं इसके कहीं ऊपर तो मुझे लगता है भी मैं एक भगवान से के द्वारा चुना हुआ मुझे ही क्यों ऐसा हुआ उससे पहले क्यों नहीं हुआ जी जी. तो मुझे चुना गया बिकॉज शायद भगवान चाहता था मेरे हाथ से एक अच्छा ये काम हो जी जी. उसके बाद में फिर बाकी जो लोग आए वो भी काम को पूरा कर रहे हैं तो शायद ये ऊपर वाले की आ, मेरे प्रति एक प्यार था भी मुझे ये सुनने को मिला ये एक है जैसे दूसरा एस्पेक्ट मैंने मानवता का बताया भी बहुत से लोग आपके साथ काम करते हैं जी जी। वो सुखी नहीं है तो फिर आप सुखी नहीं रह सकते जी जी। तो इस तरह से मेरा दिल आज की रेट में मेरा मन यही रहता है भी मैं कैसे किसी को करूं करूँ और मैं आपको एक बात बताऊँ जो मेरा मानना है भी पैसा खर्चा करके किसी की मदद करना मदद नहीं है अच्छा आप बहुत सारा पैसा कमाए और उठा गए अच्छा दे दो ये नहीं है आपके कई बार प्यार के दो शब्द भी जो हैं वो भी उनके लिए उतनी ही मानवता की सेवा है जितनी है बुजुर्ग लोग होते हैं उनको पैसे की जरूरत नहीं होती उनके आपके टाइम की प्यार जी, से होते। जी। आज जो मुझे प्यार मिला वो इसलिए नहीं मिला बिकॉज मैं को पैसे वाला था या मैं घुर्ना था आज बहुत सारा प्यार जो हमें मिलता है सोशल सर्कल में इसलिए मिलता है अभी हमने कभी कुछ प्यार बांटा वो हमें डबल होके के वापस मिल रहा वो बहुत ज़रूरी रहता है आप एक सच्चे धर्म योद्धा की तरह अपना जीवन जीते रहे हैं आदरणीय मेजर दीपक जी और आपने अध्यात्म और कर्म दोनों सिद्धांतों को आपने गहराई से महसूस करके अपने जीवन में उतारा है और ये हमारे दर्शकों के लिए बड़ी प्रेरणा की बात होगी आपकी बातें सुनकर आज बहुत ही प्रेरणा मिली मैं चाहूँगा कि आपसे आगे और मुलाकात हो और आपसे हम और भी चर्चा करें आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत और मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ प्यारे दर्शकों आपका भी बहुत बहुत, बहुत आभार आज हमारे बीच मेजर दीपक मेहता जी ने बड़ी प्रेरक बातें कही हैं आपका सबका बहुत बहुत आभार